हर हर महादेव दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी इस खास वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, पंच केदार की यात्रा शुरू हो चुकी है, तो उसी से जुड़ी हुई आज हम आपको पंच केदार में से एक रुद्रनाथ मंदिर के बारे में सारी जानकारी देंगे। जैसे कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, आप यहाँ कहाँ रुक सकते हैं, आप यहाँ कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और आपका इस पूरी यात्रा में कितना खर्चा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी एक खास वीडियो। उत्तराखंड के चमोली में बसा हुआ रुद्रनाथ मंदिर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहां पर महादेव के मुख की पूजा की जाती है। आपको बता दें, रुद्रनाथ मंदिर के कपाट 10 मई से खुल चुके हैं। इस पूरी यात्रा का ट्रैक जितना सुंदर है उतना ही कठिन भी। इस यात्रा का ट्रैक पंच केदार में से सबसे कठिन माना जाता है। इस ट्रैक का डिस्टेंस जो है दिखाते तो 18 किलोमीटर है, पर है 24 किलोमीटर। इसलिए आप जब भी इस ट्रैक पर जाए तो बिल्कुल आराम से, बिना किसी जल्दीबाजी के इस ट्रैक को करें। इस ट्रैक के दौरान आपको बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है, तो कृपया करके अपने साथ एक रेनकोट और पावर बैंक जरूर लेकर चलें, क्योंकि यहाँ पर आपको फ़ोन चार्ज करने के लिए भी दिक्कत आएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर पहुँचने की, तो आपको बता दें, सबसे पहले आपको देश के किसी भी राज्य से बाई ट्रेन हरिद्वार तक आना है, फिर हरिद्वार से आपको सीधा चमोली के लिए बस लेनी है, जिसका किराया आपको 400 रुपये तक पड़ेगा। फिर चमोली से आपको गोपेश्वर के लिए शेयर टैक्सी मिल जाएगी, जिसका किराया आपको 300 रुपये तक पड़ेगा। फिर आपको गोपेश्वर से सागर विलेज, जहाँ से रुद्रनाथ मंदिर के पैदल मार्ग की शुरुआत होती है। रुद्रनाथ मंदिर की यात्रा के दो रास्ते हैं, एक तो सागर विलेज से जाता है और दूसरा जो है मंडल से, जो कि गोपेश्वर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप दिल्ली से सीधा यहाँ गोपेश्वर आना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन बस भी बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको उत्तराखंड की ये साइट UTC जो है इसमें बुक करनी पड़ेगी। आप चाहे तो एक दिन गोपेश्वर में रुक सकते हैं, फिर अगले दिन रुद्रनाथ मंदिर की चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। गोपेश्वर में आपको कमरे 500 से 1000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे। फिर आप अगले दिन सागर विलेज से अपनी यात्रा शुरू कीजिए। इस पूरे पैदल मार्ग का जो नज़ारा है वो काफ़ी खूबसूरत है, जिस वजह से ये पूरी जो यात्रा है आप आनंद के साथ ख़त्म कर सकते हैं। सागर विलेज से थोड़ी देर चलने के बाद आपको आपका पहला स्टॉप पॉइंट पुंछ बुग्याल पड़ेगा। यहाँ पर आप थोड़ी देर आराम कर सकते हैं और मैगी का आनंद ले सकते हैं, और इन वादियों का आनंद लेते हुए फिर आप 8 किलोमीटर चलने के बाद आपका जो अगला स्टॉप पॉइंट है पनार पड़ेगा। यहाँ पर आप अपना पानी की बोतल जरूर भर लें, क्योंकि यहाँ से 8 किलोमीटर तक आपको कहीं भी पानी नहीं मिलेगा, इसलिए अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर रखें। आइए आपको यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। इस ट्रैक के बीच में आपको बुग्याल पहाड़ियाँ भी देखने को मिलेगी। यहाँ का नज़ारा किसी स्वर्ग के रास्ते से कम नहीं है। ये रास्ता है रुद्रनाथ का, 26 किलोमीटर का ट्रैक। आंखें बाहर सी आ गई हैं, अभी पूरा कर रहे थे। ऐसे ही ये सफर करते हुए आपका अगला स्टॉप पॉइंट पितृधार पड़ेगा, जहाँ से हिमालय की बर्फीली पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। फिर ऐसे ही ट्रैक करते करते आप शाम तक रुद्रनाथ मंदिर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप फिर एक रात रुके, यहाँ पर आपको धर्मशाला मिल जाएंगे, जिसमें आपको सोने के लिए जगह दे दी जाएगी, जिसका किराया पर पर्सन को 300 रुपये तक देना होगा। फिर एक रात रुकने के बाद आप अगली सुबह नहा धोकर मंदिर में दर्शन करने के लिए चले जाइए, और फिर पूजा करने के बाद आप लोग रुद्रनाथ घाटी के नज़ारों का आनंद लीजिए। अब बात करते हैं आसपास घूमने की, तो आप यहाँ से थोड़ी दूरी पर सरस्वती कुंड, नंदी कुंड
कोपेश्वर जैसी अनेक जगह घूम सकते हैं। अब बात करते हैं इस पूरी यात्रा के खर्चे की, तो आपको बता दें आपका जो यातायात का खर्चा है वो 2000 रुपये तक पड़ेगा। खाने पीने का आपका जो है 500 रुपये तक होगा और रुकने का खर्चा आपका जो है 1000 रुपये तक। मतलब आपका इस पूरी यात्रा में जो खर्चा है 3000 से 4000 रुपये तक होगा। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।